क्योंकि कि सऊदी अरब जैसा देश आर्टिफिशियल रेन के चलते अभी देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में चर्चाओं में आ रहा था। और अब सऊदी अरब में बनेगी दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी की खबर सामने आते ही पूरी दुनिया ने इस पे बहुत हैरानी जताई है। तो आपको बताते हैं कि क्या है पूरा प्लान। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनने जा रही है। 170 किलोमीटर लंबे इस शहर का नाम होगा द लाइन। शहर की बाहरी दीवारें कांच की होंगी और तो और इस शहर में प्रदूषण एकदम नहीं होगा, मतलब पॉल्यूशन फ्री सिटी। इसे नियोम के बिजनेस जोन में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। हालांकि ये काफी हैरान कर देने वाली खबर है, लेकिन सऊदी अरब ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर रहेगी, चौड़ाई 200 मीटर होगी। आप इस शहर की एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहां पर हाई स्पीड ट्रेन भी चलाई जाएंगी। जी हां, इस वर्टिकल शहर में सऊदी अरब ने हाई स्पीड ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है। इस शहर की ऊंचाई 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर होगी। आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि ये शहर आधा लगभग कांच से ही बना होगा। सऊदी अरब की वर्टिकल सिटी द लाइन कांच की आधा किलोमीटर ऊंची दीवारों से ढका होगा। ये पूरा शहर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा, यानी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और वायु ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का उपयोग इसे चलाने में होगा। यहाँ किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा, ना ही किसी तरह का कोई कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। और तो और शहर की 170 किलोमीटर की दूरी को मात्र 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यहाँ पर करीब 19 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि पारंपरिक फ्लैट या जितने भी फ्लैट और रेसिडेंशियल एरियाज ऐसे देशों में देखे जाते हैं वो काफी फैले हुए होते हैं, और इन फैले हुए शहरों की तुलना में ये शहर लंबवत यानी वर्टिकल ही होगा, यानी एक खड़ा शहर। इस शहर में सड़कें नहीं होंगी, कारें नहीं चलेंगी, उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बन एमिशन का कोई नामो निशान नहीं होगा। इसके अलावा इसके आसपास हाईटेक जोन का विकास किया जाएगा। ये करीब 26,500 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला होगा ताकि शहर को हर तरह का सपोर्ट दिया जा सके। अगर सब कुछ सही रहा तो ये शहर साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बताते चले कि दुनिया के इस पहले वर्टिकल शहर में दफ्तर, घर, पार्क, स्कूल सब कुछ वर्टिकल होंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले जनवरी 2021 में खुलासा किया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि इसे बनाने में करीब $500 बिलियन यानी 39.95 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो आर्टिफिशियल रेन से लेकर वर्टिकल सिटी तक सऊदी अरब अपनी टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाता जा रहा है। केवल सऊदी अरब के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग अब इस वर्टिकल सिटी के बनने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज़। धन्यवाद।